लास्ट पिक्चर जो उनकी आई थी छिछोरे, वो बहुत ज़्यादा अच्छी थी और वो बहुत ही अच्छे अभिनेता थे, बहुत अच्छे आर्टिस्ट थे। और मुझे इस चीज़ का बहुत ज़्यादा दुख है, बहुत ही दुखी हूँ मैं, क्योंकि इतना अच्छा आर्टिस्ट, बिहार का लड़का, और मतलब इतना अच्छा बॉलीवुड इंडस्ट्री में वो एक्टिंग कर रहे थे, हीरो थे, इतनी सारी पिक्चरें उन्होंने की थी। और बहुत ही दुखद है ये चीज़ की इंडस्ट्री में ऐसी हरकतें होती हैं। हाँ, एक चीज़ और भी, और ये बहुत ही सच है कि जैसे भोजपुरी इंडस्ट्री हो, जैसे बॉलीवुड इंडस्ट्री हो, ये इंडस्ट्री में ये सब चीज़ें होती हैं। पक्षपात है, ग्रुप उनके अपने अलग अलग होते हैं, कैंप होते हैं, सब कुछ चीज़ है। और ये सब कुछ मैंने भी फेस किया है, खुद ने भी। कई पिक्चरें होती थी कि हम लोग पहुंचे, साइनिंग किया, साइन हो गई पिक्चर, स्टोरी सुन ली, कॉस्ट्यूम तक तैयार हो चुके, बट एंड मोमेंट के अंदर जाके ये चीज़ आती थी कि मैम सॉरी, उस वाले पिक्चर में तो कोई और किसी को ले लिया है, रिप्लेस हो गई हैं आप। और जब हमको चलता था पता कि अच्छा, मतलब हम नहीं उस पिक्चर में इनको लिया है, और जब उसके पीछे का रीज़न पता चलता था तो बहुत दुख होता था, क्योंकि हमारे साथ भी जिसका जो इंसान खास होता है, हम लोग वहाँ से कट होते थे और वो इंसान वहाँ पे एंट्री होता था, उस इंसान की, उस एक्टर की, एक्ट्रेस की, जो भी कुछ आप लोग समझे। बट उस टाइम बहुत दुख होता था, बहुत हर्ट होता था कि ये अचानक क्या हो गया। और एक बार तो मेरे साथ में ऐसा भी हुआ था, 3 दिन बाद शूट था और 3 दिन पहले प्रोड्यूसर का कॉल आया कि मैम आप इशू है कुछ, और प्लीज़ मैम आप ही ठीक है बताइए हम लोग क्या क्या करें। मैंने उनसे पूछा क्या बात हुई है सर, खुल के आप ठीक है बताइए। तो उन्होंने कहा कि जो हीरो हैं वो अब कह रहे हैं कि अगर वो होंगी हीरोइन तो मैं आऊँगा ही नहीं, सेट पे मैं नहीं आऊँगा। मतलब इतनी क्या इशू है आपको यार कि आप सेट पे नहीं आओगे? अगर आपकी मन की हीरोइन नहीं है उस पिक्चर में जिसको आप चाह रहे थे, अगर कोई और आर्टिस्ट है जिसकी एक्टिंग अच्छी है, डांस अच्छा है, टैलेंटेड है, वो अगर वो उस पिक्चर में है तब भी आपको उससे इश्यू, आप उसको हटवा रहे हो, तो कहीं ना कहीं कर्मा है जो आपके ऊपर घूम फिर के जरूर आएगा। तो ये भी चीज मेरे साथ हुई थी, 3 दिन पहले कॉल आता है कि आप उस पिक्चर में नहीं हो और हीरो कह रहे हैं कि वो सेट पे नहीं पहुंचेंगे। अभी कितना सच था कितना झूठ था ये तो नहीं है पता, मगर कोई भी प्रोड्यूसर 3 दिन पहले, कोई भी डायरेक्टर 3 दिन पहले हीरोइन को कभी हटाएगा नहीं। तो मैंने उनको एक चीज बोला, मैंने कहा सर इट्स ओके, आपकी पिक्चर बहुत अच्छी है, बड़ी पिक्चर है, कोई नहीं, आप जिनको भी वो कह रहे हैं आप उनको ठीक है ले लीजिए हीरोइन, इट्स ओके, कोई इशू नहीं है। मैं वहां से हट गई और उसके बाद वो पिक्चर फ्लॉप हुई। कर्मा है ना, आप जैसा करोगे वैसे ही आप भुगतोगे। तो ये चीज है सुशांत जी के साथ में भी शायद वैसा ही कुछ हो रहा होगा। बैक टू बैक इंडस्ट्री के लोग टॉर्चर कर रहे होंगे, चीजें कर रहे होंगे, पिक्चर से हटवाना, कैंप करना, सब चीजें ये होती हैं। तो इसलिए उनको क्या दुख फील हो रहा होगा, आई नो, उनका पेन मैं समझ पा रही हूँ। मगर हाँ, एक ही चीज है कि काश वो हम लोग के बीच में होते, जिंदा होते वो, क्योंकि उनका जाने का दुख बहुत है। एक इतना अच्छा आर्टिस्ट हम लोग के बीच में से चला गया, इस चीज का अफसोस मुझे हमेशा रहेगा, जिंदगी भर रहेगा। क्या चीज बोले, मतलब दुख बहुत बहुत ज्यादा हो रहा है। इतना अच्छा इंसान, इतना अच्छा आर्टिस्ट, हसमुख आर्टिस्ट था, हमेशा हंसता, अच्छे से एक्टिंग करना, बिहेवियर उनका अच्छा था। मॉल में भी हम लोग एक बार मिले भी थे, तब भी उनसे बात हुई थी, बहुत ही अच्छे इंसान थे वो। मगर जो इंडस्ट्री, मतलब मैं सिर्फ एक ही चीज़ चाहूँगी, जैसे बॉलीवुड हो, जैसे भोजपुरी इंडस्ट्री हो, प्लीज़ आप लोग ऐसी चीज़ें मत कीजिए। जो लोग जिसमें हैं, अगर कोई भी हीरोइन किसी पिक्चर में साइन हो चुकी हो तो प्लीज़ उसको हटवाइए मत। और कोई भी जो नए हीरो आ रहे हैं उनको भी कॉपरेट कीजिए, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर्स और बड़े स्टार जो भी कोई हैं, जो भी लोग हैं, वो सब लोग उनको हेल्प, जो भी लोग नए आ रहे हैं उनको हेल्प कीजिए, कॉपरेट कीजिए। ये ग्रुपजम करके, चीज़ें करके किसी का अच्छा आज तक ना ही तो कभी हुआ है और ना ही कभी किसी का अच्छा होगा। तो मेरी सबसे एक ही मेरी रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज़ जैसे भोजपुरी हो, जैसे बॉलीवुड इंडस्ट्री हो या कोई भी इंडस्ट्री हो, जो आर्टिस्ट जिस पिक्चर में साइन हो चुका हो, जो काम जो कर रहा हो, उसको वहाँ से बायकट मत कीजिए, हटवाइए मत, उसके खिलाफ
मत होइए, उसकी किस्मत का जो है वो उसको प्लीज करने दीजिए। उसमें से बीच में से आके आप 4 पिक्चरों में से हटवा दोगे, 10 पिक्चरों में से हटवा दोगे, ये चीज अच्छी नहीं है। और ये चीज देखिए, एक चीज तो है जिसकी किस्मत होगी उसको फिर भी लोग पसंद करेंगे, उसको लोग चाहेंगे, उसकी एक्टिंग को फिर भी लोग पसंद करेंगे, आप कितना भी कुछ कर लें। तो इसलिए हमेशा हिम्मत रखिए, हमेशा आगे बढ़िए। लोग अगर आपके बारे में आपके लिए खराब चीजें कर रहे भी हैं पीछे से, मेरे साथ तो बहुत बार ठीक है, बहुत बार चीजें होती थी, कभी कुछ, मैं हमेशा मैंने हिम्मत रखी। मैं कहा कोई बात नहीं, जल्द से ज्यादा क्या चीज होगी, घर में तो हूं ना, अपने सक्षम हूं, अच्छी आर्टिस्ट हूं तो मैं कर लूंगी, अपना कमा लूंगी, हो जाएगा सब कुछ। घर वाले साथ हैं, सपोर्ट में हैं, फ्रेंड्स आपके हैं, आपको कुछ भी दुख हो, तकलीफ हो, आप उनको कहो, बोलो, उनके साथ में शेयर करो, तो आपका दुख कहीं ना कहीं हल्का होगा। मैं कभी भी आत्महत्या करने की सोचिए मत, क्योंकि ये बहुत ही गलत चीज है, ये अपनों को भी दुख पहुंचाते, तकलीफ, और इसमें कहीं ना कहीं आप कमजोर साबित होते हो कि आप में खुद में कमजोरी है। तो आप कमजोर क्यों हैं? लोग बोल रहे हैं इसलिए, लोग पिक्चरों से हटवा रहे हैं इसलिए, लोग काम करने दे रहे नहीं है इसलिए, बीचिंग कर रहे हैं इसलिए, कभी नहीं। अगर आपकी लाइफ है तो आप बहुत कुछ कर सकते हो। और देखिए, ये चीज एक ही है, जो चीज आपके लिए बुरा चाह रहा है, बुरा करने की कोशिश कर रहा है, ये आप अपनी हिम्मत रखिए और आप हमेशा खुश रहिए। उस इंसान को उसी आपकी खुशी से तकलीफ होगा उसको, तो वही उसके लिए उसका दंड होगा, या उसको जो बोलते ना कि वो चाहता है कि आपको दुखी करना और आप खुश हैं, तो वो उसी में ही जल के खत्म हो जाएगा अगला इंसान, क्योंकि वो हमेशा ये सोचेगा वो आपको कुछ बिगाड़ नहीं पाया। तो इसलिए पॉजिटिव रहिए और अपनी एनर्जी को पॉजिटिव रखिए। कितने भी नेगेटिव लोग आपके आसपास में, आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए उससे। जैसे मैं हूं, आज तक मैंने यही चीज किया है, लोगों ने जितना बुरा करना चाहा, कोई बात नहीं, करने दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, कम खा लूंगी, कम कमा लूंगी, कोई दिक्कत नहीं है, बट उन लोगों को खुश होने नहीं दूंगी। जो लोग ये चाहते हैं कि मुझे पीछे से हटवा के वो लोग खुश हो जाएंगे, सुख पाएंगे, नहीं। और हाँ, उन लोगों की शर्तों पे मैं काम नहीं कर सकती, इसलिए मैं नहीं करूंगी काम, छोड़िए। अच्छा काम आएगा, कोई बात ही, नए आर्टिस्टों के साथ में, जो पुराने कुछ अच्छे आर्टिस्ट हैं उनके साथ में करूंगी काम, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मगर प्लीज अपनी सोच को पॉजिटिव रखिए, डिप्रेशन में जाइए मत। चाहे वो स्कूल स्टूडेंट्स हैं, या एक्ट्रेस हैं, या ऑफिस के अंदर जॉब करने वाली गर्ल्स बॉयज हैं, कोई भी है, डिप्रेशन को अपने आसपास मत आने दीजिए, कभी भी नहीं, नेवर एवर। आप लोग फाइटर हैं, लड़ सकते हैं हर चीज से। एक इंसान ही ऐसा है कि वो हर चीज से फाइट कर सकता है। और आपके पास दिमाग है, भगवान ने दिमाग क्यों दिया है, ताकि आप अच्छी चीजें सोचें और अच्छा काम करें और आगे बढ़े। लोग बाग है वो पीछे खींचना चाहेंगे, मैं किसी की भी हाथ नहीं आना है इस रेस में, सिर्फ आगे आगे देखना है, पीछे मुड़के देखना ही नहीं है। कोई भी कुछ भी बोले, बोलने दो, बकरा है, एक कान से, अगर आप कानों में आवाज भी आ रही है, एक कान से सुनो, दूसरे कान से निकाल दो, उसकी बातों को लेके डिप्रेशन में मत आओ। और जहां तक बात है, कई बार होती है सिचुएशन की आपके पास में पैसा नहीं है, आप स्ट्रगल कर रहे हैं, उस टाइम पे चीजें ऐसी हो रही, तो उस टाइम इंसान को बहुत तकलीफ होती है। मैं वो चीजें अगर अपने घर वालों के साथ में वो शेयर करेगा, बताएगा, तो वो कहीं ना कहीं आपकी हेल्प करते हैं, संभालते हैं आपको। तो बस मैं यही कहना चाहूंगी, प्लीज अपनी हिम्मत को कभी टूटने मत दीजिएगा, हिम्मत रखिएगा और हमेशा खुश, जितना भी हो सके खुश रहने की कोशिश कीजिए और हमेशा आगे आगे बढ़िए। भगवान हमेशा हर इंसान के साथ में है और हर इंसान के दिल में है भगवान। और जो लोग बुरा करते हैं ना, उनको उनका कर्मों का फल मिलता है, जरूर मिलता है। तो इसलिए प्लीज जो भी लोग ऐसे हैं वो ये सब करना छोड़ दें और प्लीज ये सब चीजें हटाएं और खुद भी खुश रहें और अगलों को भी खुश रहने दें। और सबको एक नजरिए से देखिए और जिसमें भी टैलेंट हो उसको आगे आने दीजिए, आगे बढ़ने दीजिए, उसके बीच में कोई भी मत आइए। अगर आप में खुद में टैलेंट है तो आप भी आगे आओगे, या आप में इतना आप इस्टेब्लिश हैं तो आप हमेशा इस्टेब्लिश, आप में काबिलियत है तो आप रहेंगे उस मुकाम के ऊपर। मगर जो लोग और हैं, जो टैलेंटेड हैं, प्लीज उनके साथ में गलत मत कीजिए, कभी भी मत कीजिए। और ये हमारी इंडस्ट्री में भी होता है, वो सबको है,
पता, तो प्लीज बी ब्रेव स्ट्रांग और आगे बढ़ते रहिए। आप सभी को बेस्ट ऑफ लक है, अपनी लाइफ खुश होके अपनी शर्तों पे जियो और कभी भी डिप्रेशन में मत आओ। थैंक यू।